ये बेसिकली घटना एक अकरम का परिवार है, एक नवी के परिवार है, इन दोनों के बीच झगड़ा का की वजह से हुई है। उसने फायरिंग में एक राज जो चल रहे थे रास्ते में, राहगीर थे, उनके पैर में गोली लग गई है, जिनका इस घटना से कोई लेना देना नहीं था। वो उनका वहीं पे ट्रीटमेंट हो रहा है, पैर में गोली लगी है, खतरे से बाहर है, जहाँ पे वो खुद पैथोलॉजिस्ट हैं अस्पताल में फातिमा में। प्रकरण ये है कि अकरम और इनका जो सगा बहनोई है नवी, इन दोनों लोगों ने मिल करके एक ज़मीन लिया था 6 बीसा बमरौली में। ज़मीन को बेचने में इनमें आपस में कुछ नाइतफाकी हुई है और वो झगड़े की नौबत आई है और फिर इसमें फायरिंग की स्थिति आ गई है। एक पक्ष से अकरम और उसके रिश्तेदार और कुछ दोस्त बताए जाते हैं, दूसरे तरफ से नवी इस्माइल इकराम और उनकी फैमिली है। इसमें दोनों पक्ष के लोगों के आपराधिक इतिहास है और दोनों पक्षों के उनकी गतिविधियाँ भी पुलिस के निगरानी में रहा करती थी। बट ये घटना ज़मीन को लेकर के हुआ है, हम दोनों पक्षों को अभी तलाश कर रहे हैं। दोनों ही पक्ष फरार हैं और जैसे मिलते हैं चीज़ें स्पष्ट होंगे और कार्रवाई की जाएगी। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, दोनों आपस में सगे बहनोई हैं। क्या अभी हिस्ट्री सीट भी खोली गई थी? अकरम की हिस्ट्री सीट खोली गई थी और इकराम की हिस्ट्री सीट खोली गई थी। उसकी हालत कैसे? इसको बिल्कुल खतरे से बाहर है, वो पैर में गोली लगी हुई है।